और पेपर यहाँ लीक हो चुका है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 11 फरवरी को आरओ एआरओ प्रीलिम्स की परीक्षा कराई थी। शाम होते होते सोशल मीडिया पर एक दावा तैरने लगा, दावा पेपर लीक का। दरअसल एक वीडियो वायरल हुआ, गाजीपुर के मोहम्मदाबाद में कॉलेज है, नाम है SMN इंटर कॉलेज। इस वीडियो में अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि पेपर लीक हुआ है। कहा गया कि परीक्षा से पहले ही आरओ एआरओ एग्जाम 2024 का पर्चा और सभी सवालों के जवाब लीक हो गए थे, साथ ही ये भी कि प्रश्न पत्र बाहर ही खोला गया। प्रबंधन कह रहा है कि हमसे गलती हो गई, गलती हो रही है, हम अपना जीवन बर्बाद कर दें। भाई साहब, चार साल बाद वैकेंसी आ रही है और इसी गलती की वजह से हमारा पूरा जीवन बर्बाद हो गया और ये लोग कोई यहाँ कोई भी जिम्मेदार अधिकारी बात करने के लिए नहीं आ रहा है इस सेंटर पे। प्लीज यहाँ का एग्जाम आप निरस्त करें। अब इस मामले से जुड़ा एक और बड़ा अपडेट आया है। दरअसल गाजीपुर DM आरिका अखोरी ने पेपर लीक के आरोप को खारिज कर दिया है, साथ ही कहा कि इस अफवाह को फैलाने वाले लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। सुनिए उन्हें। ये जो वायरल किया गया वीडियो और जो बच्चों द्वारा वहां पे कुछ अभ्यर्थी जो कह रहे थे कि ये लीक हो गया पेपर, ये पूर्णतया असत्य है। पेपर लीक की कोई घटना नहीं हुई, इसको मैं खंडित करती हूँ। और हमने इस पे जो जांच कराई है और पाया भी है कि वहां पे एक मानवीय भूल हुई थी केंद्र व्यवस्थापक द्वारा। जो बड़े पैकेट्स होते हैं जिनमें क्वेश्चन पेपर जाता है, जो बंडल्स होते हैं, उसको केंद्र व्यवस्थापक द्वारा अपने कंट्रोल रूम में खोलना होता है और जो कक्ष के इंडिविजुअल पैकेट्स होते हैं वो कक्ष में खोलने होते हैं। ये आयोग के निर्देश हैं। किंतु उस पर्टिकुलर सेंटर पे जो SMN इंटर कॉलेज नाम का सेंटर है बस्ती में, वहां पे केंद्र व्यवस्थापक द्वारा और स्टार्टिंग मिनिस्ट्रेट द्वारा ये लापरवाही की गई कि उन्होंने एक पर्टिकुलर पैकेट को अज्ञानतावश भूलवश जो कक्ष में खुलना था उसको केंद्र के ही केंद्र व्यवस्थापक के कंट्रोल रूम में भूलवश खोल दिया था। और तभी जो वहां पे अन्य सहायक केंद्र व्यवस्थापक थे उन्होंने ये बात उसको बताई तो वो रुक गए और उसके बाद पैकेट डिस्ट्रीब्यूट हुए। जिस पर्टिकुलर केंद्र में ये ओपन पैकेट मिला था वहां के अभ्यर्थियों ने ये कहा कि पेपर लीक हो गया है, जबकि ऐसी कोई घटना नहीं थी। वो मात्र भूलवश केंद्र व्यवस्थापक के कमरे में कटने के कारण ये भ्रांति उत्पन्न हुई। ये परीक्षार्थियों ने ये रूमर फैलाया है, उनके विरुद्ध भी हम विधि कार्रवाई कर रहे हैं और जो लापरवाही उस केंद्र व्यवस्थापक ने की है उनके विरुद्ध भी हम उस सेंटर को फर्दर एग्जामिनेशन के लिए डिबार करने के लिए लिख रहे हैं और केंद्र व्यवस्थापक पे भी कार्रवाई करेंगे। वी आर वेरी स्ट्रिक्ट ऑन दैट। बट मैं फिर से क्लैरिफाई करना चाहूंगी कि पेपर लीक जैसी कोई घटना घटित नहीं हुई और ना ही आयोग से इस संबंध में कोई भी हमें कोई नोटिस या कोई भी सूचना मिली है। पेपर बहुत ही शुचितापूर्ण तरीके से गाजीपुर जनपद में सभी परीक्षा केंद्र में, जो 50 परीक्षा केंद्र, सब पे संपन्न हुआ है और पूरी अच्छे तरीके से वो कंडक्ट किया। एक FIR दर्ज कराई गई है जिन परीक्षार्थियों ने वहां पर इस सिचुएशन को डिस्प्रोपोर्शनेटली बड़ा बना करके रूमर मॉन्गरिंग करने का काम किया, उन पे FIR दर्ज कराई गई है। और भूल के कारण जो स्थिति उत्पन्न हुई उसमें यदि विवेचना में आता है कि केंद्र स्थापक उसके लिए उत्तरदायी है तो उनको भी उसमें संलिप्त किया जाए। मामले की जिस वीडियो पर गाजीपुर DM ने क्लैरिफिकेशन दिया है उसे 12 फरवरी को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी एक्स पर पोस्ट किया था, साथ में लिखा था, कई वर्षों के इंतजार के बाद संसद में पेपर लीक के खिलाफ कानून पास हुआ है और उधर यूपी में समीक्षा अधिकारी की परीक्षा का पर्चा लीक हो गया। 2017 में दरोगा भर्ती से लेकर 2024 में समीक्षा अधिकारी तक, खबरों के अनुसार यूपी में लगभग हर प्रतियोगी परीक्षा का पर्चा लीक हुआ है। सरकार इसे रोकने के लिए क्या करने जा रही है? क्या यूपी में नए कानून के तहत निष्पक्ष कार्रवाई होगी या ये सिर्फ दिखावा साबित होगा? यही नहीं, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी इस मामले में यूपी सरकार पर निशाना साधा था। उन्होंने वायरल वीडियो शेयर करते हुए लिखा था, उत्तर प्रदेश में समीक्षा अधिकारी का पेपर भी लीक हो गया, ये अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ भाजपा सरकार की साजिश ही लगती है क्योंकि ये सरकार बेरोजगारों को नौकरी नहीं देना चाहती है। वहीं से पहले खबर आई थी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि UPPSC आरओ एआरओ परीक्षा पेपर लीक मामले में आयोग ने एक्शन लिया है। आयोग ने इस मामले की जांच STF से कराने का फैसला किया है। UPPSC की तरफ से STF से जांच के लिए शासन को सिफारिश भेजी गई है। मामले की जांच के लिए आयोग की तरफ से 3 सदस्यों की एक इंटरनल कमेटी का भी गठन हुआ है। आपको ये भी बताते चले कि आरओ एआरओ भर्ती परीक्षा में 2 पेपर होते हैं, पहला सामान्य अध्ययन ऑब्जेक्टिव टाइप जो कुल 140 अंकों का होता है,
दो घंटे की इसकी ड्यूरेशन है। दूसरा पेपर सामान्य हिंदी प्रारंभिक परीक्षा का होता है, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप 60 सवाल होते हैं जिसके लिए एक घंटा मिलता है। कुल मिलाकर दोनों पेपर में 200 सवाल होते हैं, हर सवाल एक मार्क का होता है। मालूम हो कि इस भर्ती परीक्षा में 10,69,725 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। बाकी इस मामले में जो भी अपडेट्स होंगे वो हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। आप किस पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है, देखते रहिए ललन.यूपी। शुक्रिया।